सब तो आज मैं आपको थोड़ी सी थकी थकी दिख रही होंगी, क्योंकि ना अभी टाइम हो गया है, 2 बज चुके हैं और आज मुझे मेरा पूरा काम जो था वो इतना लेट खत्म हुआ, क्योंकि आज मुझे कपड़े वॉश करने थे, थोड़ी सी बेड शीट्स वगैरह भी थी, बेड कवर्स वगैरह वो चेंज करने थे, तो फिर उनको साथ के साथ धो दूँ तो थोड़ा काम कम हो जाता है, तो इसलिए मैंने साथ साथ में उनको धो भी लिया। तो इतना सारा काम कर करके तो इतना सारा काम कर करके थकावट हो जाती है इतनी ज़्यादा। तो अभी बस कुछ भी नहीं किया, चाय पीने का मन कर रहा है। अब देखती हूँ, नीचे जाती हूँ, भाभी को बोलती हूँ कि चाय पिए या नहीं पिए, अगर कोई पिएगा मेरे साथ तो फिर पीऊँगी, मैं कम पीती हूँ चाय, ज़्यादा नहीं पीती। तो अभी कुछ नहीं करना है, और आज मैंने घर को पूरे अच्छे से वॉश किया, मतलब डिटोल वगैरह डाल के ना, क्योंकि कोरोना वायरस जैसे पता है आपको कि चल रहा है, तो इसलिए मैंने पूरा घर मतलब अच्छे से क्लीन किया, दोनों वॉशरूम्स को अच्छे से क्लीन किया, और इतना ज़्यादा काम हो गया था। तो जीनू जा चुके हैं कॉलेज, उनको छुट्टियाँ नहीं है, बच्चों को हैं लेकिन जो टीचर्स और प्रोफेसर हैं उनको नहीं है। और अब तो हमारे यहाँ पे सब कुछ बंद हो रहा है, शॉप्स वगैरह भी बंद हो गई हैं, और कुछ थोड़ा बहुत जो है वो खुला होगा शायद से, तो वो भी बंद हो जाएगा। आज देखूंगी अगर टाइम होगा जीनू के पास तो मैं जाऊंगी जीनू के साथ, और मार्केट से जो भी हमारा ग्रॉसरी का थोड़ा बहुत सामान है वो हम ला के अंदर रख देंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं लाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी है एक शॉप, वहाँ से भी मिल जाएगा, तो हमें अवॉइड करना चाहिए बाहर जाना, जितना कम हो सके उतना कम जाना चाहिए, तो इसलिए हम घर पे ही हैं। लेकिन अभी है अयाना का बर्थडे 22 को, तो उनको वही टेंशन है मेरे बर्थडे पे क्या होगा मम्मा, क्योंकि वो हमें बोल रहे थे मुझे घुमाने ले जाना, हम पार्टी वगैरह नहीं करेंगे। तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम उनको लेके चले जाएंगे, लेकिन अब सब कुछ जैसे बंद हो गया है तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है 22 को कहीं जाना। तो उनके बर्थडे की जैसे ड्रेस वगैरह लेनी थी, या उनको जो गिफ्ट लेके देना था, उन्होंने बोला था हॉवर बोर्ड लेके देना मुझे, तो या फिर साइकिल लेके देना है। तो अब देखेंगे, अगर आज हमें मिल गया तो हम आज ही लेके आ जाएंगे उनका, ताकि हमें फिर दोबारा से बाहर ना जाना पड़े, मुझे और अयान को नहीं जाना पड़ेगा, और जीनू तो जाते ही रहेंगे क्योंकि कॉलेज चल रहा है तो उनको तो जाना ही पड़ेगा। तो बस अभी मैंने मतलब पूरी अच्छे से सफाई कर दी है, तो कपड़े वगैरह आधे सूख गए हैं तो वो रख दिए हैं अंदर, और आधे जो गीले थे वो रखे हैं बाहर, वो भी सूख जाएंगे थोड़ी देर में, उनको भी फोल्ड करना है, और साथ में करना है अपना बेड कवर चेंज जो नहीं किया था, पोछा वगैरह सब हो गया था, मॉपिंग अच्छे से कर दी थी लेकिन वो सब नहीं किया था, डस्टिंग वगैरह भी हो गई है। तो अभी ये करती हूँ मैं, तो फिर देखते हैं उसके बाद क्या क्या होता है, जो जो होगा वो आपको दिख जाएगा आगे। और जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, अगर मैं आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने हैं। तो जाके
तो अभी जो मेरे रूम्स हैं दोनों हो गए हैं सेट, तो अब कोई टेंशन नहीं है, अब काम ख़त्म हो गया ना, अब कोई वो नहीं है, बेड बिल्कुल हो गया क्लीन और किचन भी मेरी क्लीन है अभी इस टाइम। ये देखो यहाँ पे सारा शेल्फ वगैरह सब कुछ क्लीन है, तो सब कुछ सारी चीज़ें जो आती थी मैंने डिटॉल से वॉश की थी। और ये टेबल की हालत देखो, ऐना जब भी आते हैं ना इस पर बैठते हैं तो ये स्लिप करता है ना मैट, तो पूरा इकट्ठा हो जाता है, इसको बार बार ठीक करना पड़ता है। मेरे फूल जो है ना वो मुरझाने शुरू हो गए हैं, और कुछ कपड़े जो हैं यहाँ पे सूख गए थे ये रख दिए हैं इनको फोल्ड करना, लेकिन अभी बिल्कुल मूड नहीं है करने का, क्योंकि थकावट हो गई बड़ी ज़्यादा। इतना अच्छा वेदर है आज, और ये सारे कपड़े धुल के रखे हैं और धोएंगे बाद में, धोएंगे सॉरी फोल्ड करेंगे बाद में। तो अभी आ गई हूँ मैं नीचे, और बाबी ने बनाए थे, चाय नहीं बनाई हमने क्योंकि चाय पीने का किसी का मूड नहीं था और लंच टाइम भी हो गया था। बाबी ने बनाए थे आज पीले चावल, मतलब येलो राइस जो होते हैं, टमाटर प्याज वगैरह डाल के सब्जियां डाल के वेजीज वाले जो राइस बनते हैं वो बनाए थे। तो बस फिर सभी खा रहे थे तो मेरा भी मन कर गया कि मैं भी खा लेती हूँ। तो ऐसे ही होता है, हम कभी कभी जब नीचे आते हैं तो नीचे ही खा लेते हैं रोटी। तो बस यहाँ पे मैं अयान और निवान बैठ के खा रहे हैं और बाकी सब जो है सामने वाले बेड पे दूसरे वाले बेड पे बैठ के तो वहाँ पे खा रहे हैं। तो बाबी सबको खाना डाल के दे रहे थे, तो इन चावलों के साथ अगर आम का अचार हो ना, हमारे घर में अभी ख़त्म हो गया तो जब आम होंगे तो फिर हम मम्मा डालेंगे उसका अचार, तो इन चावलों के साथ अचार हो तो इतना मज़ा आता है। लेकिन और कुछ तो था नहीं, तो फिर अनियन के साथ भी इनका एक औसम टेस्ट आता है, और कुछ सैलड में हो नहीं हो लेकिन अनियन हो ना इसके साथ तब भी बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अगर आम का अचार होता फिर तो चार चांद लग जाते हैं हमारे लंच में। तो बस अभी हम सारे बैठ के खा रहे हैं यहाँ पे चावल, और अयाना बोल रहे थे कि उनके चावल थोड़े से गर्म हैं तो मम्मा ठंडा करके दो, तो मैंने उनको चम्मच से वही फैला के दे दिए ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएँ, तो फिर वो खाएँ आराम से बैठ के। तो बच्चे वैसे भी एक दूसरे को देख के फिर खाना खाते हैं, नहीं तो उनको थोड़ा खाना खाने में, क्योंकि निवान थोड़ा कम खाना खाता है ना, तो अभी जैसे सारे खा रहे हैं, अयान खा रहे हैं, तो बस अयान को देख देख के तो वो भी खा रहे हैं अभी खाना, तो अयान तो खा लेते हैं, उनके साथ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आराम से खा लेते हैं खाना अपना, तीन टाइम का खा लेते हैं वो। और उसके बाद फ्रूट्स वगैरह ये वो मैं अलग अलग डिफरेंट फ्रूट्स उनको देती रहती हूँ खाने के लिए। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ मार्केट में, क्योंकि सामान वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं हम। और अभी बोल रहे हैं पता नहीं शॉप्स वगैरह भी बंद हो जाएंगी क्या, कोई पता नहीं है कि कब बंद हो जाए, आज भी थोड़ी बहुत मार्केट खुली है, ज़्यादा तो खुली नहीं है। तो अब हमें ये है कि मतलब ये ना हो कि सारी मार्केट वगैरह सब कुछ बंद हो जाए, हमारे पास सामान ही ना हो कुछ भी घर पर, और आना का बर्थडे भी है तो उनके लिए ड्रेस वगैरह भी लेनी है। अब देखते हैं अगर आज मिल गई शॉप खुली होगी तो ले आएंगे, नहीं तो फिर बोला तो है उनको कि आपको पता ही है शॉप्स वगैरह बंद हैं तो बाद में कर लेंगे आपका बर्थडे आगे, तो जब मतलब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब कर लेंगे। तो अभी जिन्हू मुझे कॉल कर रहे हैं कि आओ जल्दी से, तो मैं चलती हूँ वहाँ पे, और ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, जैसे था वैसे ही है। तो अभी लाइट्स वगैरह चेक कर लेती हूँ एक बार कि बंद है कि नहीं, फिर निकलते हैं। तो सब कुछ ठीक है, रेगुलेटर ऑफ करना है, इसको चेक किए बिना मैं कभी नहीं जाती हूँ। तो सब कुछ बंद है तो चलते हैं अभी मार्केट के लिए। अभी आए हैं हम साइकिल वाली शॉप में, क्योंकि अयाना को चाहिए एक गियर वाला साइकिल, तो हमारे यहाँ पे ये वाली शॉप जो है यहाँ पे अच्छे साइकिल्स हैं, तो हमने सोचा यहाँ पे देख लेते हैं एक बार किस तरह के साइकिल्स हैं और किस तरह के मतलब जो भी देखे
अच्छा इसी में ये भी अच्छा है, वो वाला भी अच्छा है, ये वाला वो मिल गया बड़ा लगा। नहीं नहीं वो टायर बड़े ना उसकी वजह से, उसकी वजह से कहाँ पावर जो लग नहीं गया उसको, पावर जो लग नहीं है जोर के अंदर ये पे उसको वो तो नहीं है हल्दी की किसाई का तुमने वही ये करा वो ने कोई प्लेन रोड चलाया था नहीं। तो ये वाला साइकिल था जो मुझे पसंद आया था, लेकिन फिर एक दो साल में तो साइकिल चेंज करना पड़ेगा, जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो बड़ा साइकिल लेके देना पड़ेगा। तो ये वाला साइकिल जो था ये शायद से 15,000 का था, तो फिर हमने ये वाला तो सिलेक्ट नहीं किया, दूसरा ही किया। लेके तो नहीं आए हम अभी, लेकिन एक दो दिन में लेके आ जाएंगे जीनू। अभी आ गए हैं हम घर में वापस, और आके तो मेरा वही है किचन में जाना है, डिनर रेडी करना है। तो आके पहले मैंने ड्रेस वगैरह चेंज की, हैंड्स वगैरह वॉश किए अपने अच्छे से आके, क्योंकि हम जितनी बार भी बाहर जाएंगे तो हमें आके और आधे आधे घंटे में तो हमें वॉश करने ही है हैंड्स। तो सबसे पहले आके मैंने वो सब किया, फिर उसके बाद ड्रेस वगैरह चेंज करके तो अभी जा रही हूँ मैं किचन की साइड और बनाते हैं अपना डिनर। तो चने जो हैं वो मैंने बॉयल करके रख दिए थे, तो वो उनको लगाना है अभी तड़का। और यहाँ पे सबसे पहले ऑयल में मैंने डाला था जीरा, क्यूमिन सीड्स, उसके बाद ऐड कर दिए थे अनियंस, अनियन जैसे ही पक गए उसके बाद ऐड कर दिए टमाटोज, और टमाटोज को मैं अभी स्पैचुला के साथ अच्छे से मैश कर लूंगी, और एक अच्छी सी ग्रेवी, एक अच्छा सा मसाला जो है वो बनके रेडी हो गया, भुन चुका है मसाला। और यहाँ पे डाल दूंगी मैं अपने बॉयल किए हुए चने। तो बस अब इनको चनों को भी मतलब अच्छे से फ्राई करना है, जितना ज़्यादा आप अच्छे से फ्राई करोगे ना ये उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो बस यहाँ पे चने ऐड कर दिए हैं मैंने इसमें, और इनको करूँगी अब फ्राई, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं करूँगी, 5-7 मिनट तक फ्राई करूँगी। उसके बाद जो ये पानी है ये ऐड कर दूंगी इसमें, तो फिर मैं उसके बाद तड़का लगाती हूँ मैं सिर्फ कढ़ाई में, उसके बाद मैं कुकर रख के कुकर में ही मतलब ये ट्रांसफ़र कर दूंगी चने जो हैं उस वाले जो उसकी वो है वाटर है उसमें ऐड कर दूंगी। फिर इनको करना है बॉयल अच्छे से, तो फिर इनका टेस्ट जो है इतना उभर के आता है ना, और जितनी देर तक आप इनको मतलब गैस पर रखते हो उतना ज़्यादा टेस्ट इनका अच्छा आता है।
तो बस यहाँ पे चने मेरे हो रहे हैं फ्राई, साथ साथ में मैं किचन को क्लीन भी करती रहूँगी। अगर साथ साथ में आप काम कर लेते हो ना तो फिर अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो भी गंद वगैरह जो भी पड़ा था वो साथ साथ के क्लीन कर लूँगी मैं, और जैसे ही मेरे चने पक जाएंगे उसके बाद मैं चावल चढ़ा दूँगी अपने। और ब्राउन राइस खाते हैं हम तो उनको थोड़ा पकने में टाइम लगता है, 20-25 मिनट उनको लग जाते हैं। और जैसे स्ट्रेन करके जैसे बनाते हैं ना वैसे बनाते हैं हम, कुकर में नहीं बनाती मैं उनको। तो बस यहाँ पे चनों को भी साथ साथ में मैं हिलाती रहूँगी, ऐसा ना हो ना मैं बाकी काम करती रहूँ और चने जो हैं वो जल जाएं। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और चीनू के लिए हम साइकिल लेके तो नहीं आए हैं, लेकिन देखेंगे 1-2 दिन तक लेके आ जाएंगे। और ड्रेस लेके आ गए हैं, ड्रेस क्योंकि खुला था वो मॉल खुला था तो वहाँ से लेके आ गए थे। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।